तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन आधार में। जैसा कि आज मैं फिर आ पहुँचा हूँ लखनऊ यादव जी डेयरी फार्म गोसाईगंज लखनऊ में, और आज हम यहाँ कुछ बिक्री के लिए गाय उपलब्ध हैं उसके बारे में जानेंगे और भैया से बात करेंगे और देखेंगे कि ये गाय कितनी कितनी की हैं और कितनी ये गाय रात में लगभग आई थी, लगभग काफ़ी ज़्यादा गाय। आग्रह करूँगा कि एक बार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताइए, ये गाय जो है सेल हो चुकी है, बछड़े को जन्म दिया है इसने, कल ही बच्चे को इसने जन्म दिया है जी। और ये इधर की चारों गाय सेल हो चुकी हैं जी। ये तीनों हमारे नज़दीकी क्षेत्र में ही जाएंगी, 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे पड़ोस में जी। और ये गाय जो है खलीलाबाद के लिए जाएगी, पूर्वांचल के खलीलाबाद में। हाँ, बछिया दी है, इसके नीचे बछिया है, गिर है जी। आज इसको बच्चा दिए हुए लगभग 7-8 दिन हो चुका है जी। 9 से 10 लीटर दूध अभी इसमें मौके पे आ गया है जी। गिर है जी। उसके बाद ये हमारे पास, इस गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये बछड़े को जन्म दी है, 3 दिन बच्चा दिए हुए हुआ है इसको जी। और अभी इसमें दूध जो है 14 से 14.5-15 ऐसे जा रहा है जी। बच्चा पिलाने के बाद 14 लीटर दूध यार आसानी से निकाल रही है। ये भी सेल हो चुकी है? ये अभी सेल नहीं हुई है जी। बछड़े को जन्म दिया है और इसका प्राइस जो है जी, हम 82,000 रुपये रखे हैं। 82,000 रुपये। बच्चा कौन सा इसका? बच्चा इसका जो है ब्लैक हो गया है, जर्सी हो गया है जी। बच्चा अच्छा नहीं है, नस्ल से हट गया है, क्रॉस ब्रीड इनब्रीडिंग कर दिया है किसी ने। लेकिन गाय बहुत बेहतरीन है, गाय का दुहान बहुत अच्छा है, गाय दुहने में बहुत सीधी है, दूध निकालने में एकदम शांत स्वभाव की है। देख सकते हैं आप, इसका थन जो है बेहतरीन थन है, ऑर्डर है। कौन सी ब्यात में होगी सर ये? इस बार जो है तीसरी बार बच्चा दी है। तीसरी बार बच्चा दी है। और प्राइस क्या बताया इसका? प्राइस इसका हम 82,000 रुपये बताए हैं। 82,000 रुपये। ये भी गाय अभी बिक्री के लिए उपलब्ध? हाँ, ये आज रात को हमारे पास 45-46 गाय थी, आज हमारे पास यही इतनी गाय हमारे पास बची है, बाकी सारी गाय सेल हो चुकी है। तो इस जर्सी की, इस गाय का प्राइस बता दीजिए। इस गाय का ऐसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये नस्लें बहुत कम पाई जाती हैं, डेयरी फार्म के लिए नस्लें बहुत बेहतरीन हैं, बहुत ही सक्सेस नस्लें हैं, इनको कहीं भी कैसे भी स्थिति में रखा जा सकता है, बिल्कुल इसमें मेंटेनेंस खर्चा नहीं है जी। ये 45,000 रुपये की ये बछिया छूट जाएगी। कितने? 45,000 रुपये में। बहुत ही क्वालिटी की बेहतरीन है ये। इस बार दूसरी ब्यात में है। दूसरी ब्यात की है। कितना दूध कर देगी आपके साथ? ये फर्स्ट बार में जो है, मतलब किसान के माध्यम से जानकारी के अनुसार 15 किलो की है, लेकिन हमारे अनुसार ये 14 किलो दूध आसानी से कर देगी। ये भी गाय अभी सेल के लिए? ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये भी सेल के लिए उपलब्ध है जी। ये भी अच्छी गाय है और इसको भी जो है 42,000 रुपये में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर कोई लेना चाहता है तो 42,000? हाँ, 42,000 रुपये में उपलब्ध करा दी जाएगी जी। ये वाली गाय साहिवाल है सर? ये साहिवाल है और अभी प्रेग्नेंट है। बिक्री के लिए उपलब्ध है? हाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका क्या प्राइस रखे हैं सर? ये 40,000 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। कौन सी ब्यात में है? दूसरी बार बच्चा देगी, अभी 20 दिन बाद बच्चा करेगी। अभी 20 दिन बाद बच्चा देगी? 20 दिन बाद बच्चा करेगी। ये भी साहिवाल एक अच्छी साहिवाल है, थन से ऑर्डर से एकदम टॉप क्वालिटी की है जी। मिक्स है सर? नहीं नहीं, मिक्स नहीं है, इसमें हम्प है जी। आप देख सकते हैं, मिक्स में डिल नहीं हो सकता है जी। जी, देसी नस्ल है, A2 मिल्क रहेगा इसका। जिस गाय में डिल होगा उसमें मान के लिए आप A2 मिल्क होगा जी। एकदम सीधी है, शांत है। थन देखिए इसका, बड़ा बड़ा थन है, नाभी है, हम्प है, साहिवाल है। साहिवाल है ये देखिए, ये भी दूध कर देगी जो है 11 से 12 किलो दूध कर देगी, क्योंकि थन इसका बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस क्या रहा? इसको 45,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। 45,000 रुपये? 45,000। कौन सी ब्यात में है सर ये? ये इस बार जो है तीसरी बार बच्चा करेगी। तीसरी बार जी। और ये गाय? ये गाय भी जो है अभी प्रेग्नेंट है, ये क्रॉस ब्रीड है। अभी बात कर रहे थे ना कि जैसे आप क्रॉस ब्रीड, तो क्रॉस ब्रीड और साहिवाल में लाल हो जाने से सभी साहिवाल नहीं हो जाया करती हैं जी। ये भी बहुत बड़ी एक जानकारी किसान भाइयों को जो है चैनल के माध्यम से हमारे जानकारी से, कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो वो ये देख सकते हैं कि जिसमें ये हम्प नहीं होगा जी, वो साहिवाल नहीं है जी। साहिवाल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम्प जरूर, A2 मिल्क के लिए ये हम्प जरूर होना चाहिए। ये है कि हाँ, ये प्योर जर्सी भी नहीं है, ये क्रॉस ब्रीड है, ये किसी भी मौसम में रखी जा सकती है जी।
इसमें कूलर पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी ब्यात में है सर? ये इस बार दूसरे ब्यात में है और ये क्रॉस ब्रीड है, बहुत ही महीन रोए की है, दूध अच्छा करेगी है। ये 14 किलो दूध कर देगी। 14 किलो बच्चा देने में अभी इसको बच्चा देने में अभी इसका 20 से ऊपर दिन बाकी है। 20 से ऊपर दिन बाकी है। अभी ये ऑर्डर पूरी तरह से नहीं ला पाई है अपना, ये 20 दिन में पूरी तरह से खुल जाएगी और बहुत ही बैठक की बेहतरीन बछिया है। और ये बछड़ी दो दांत की है, क्रॉस ब्रीड की है बछिया है सर अभी? हाँ, दो दांत की है मात्र, अभी 2.5 साल इसकी उम्र है जी, और फर्स्ट बार की है जी। अभी समय ले लेगी लगभग 15 दिन। अभी इसको बच्चा देने में सर 15 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, जो गिर गाय बिक्री के लिए उपलब्ध थी उस गिर गाय का मिल्क रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये गिर गाय लगभग कितना दूध कर देगी। आइए देखते हैं और जानते हैं। देख रहे हैं बछड़े को छोड़ दिया गया है और बाल्टी बिल्कुल खाली है और उसमें कुछ, अभी आपको बाल्टी दिखाई जाएगी कि बाल्टी में कुछ नहीं है, बाल्टी बिल्कुल खाली है, देख पा रहे हैं आप। चलिए देखते हैं और ये कितना दूध करती है। वीडियो को फास्ट करके आपको दिखाया जा रहा है कि कितना जल्दी, थोड़ा समय लगेगा दूध निकालने में, इसलिए हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। आप देख पा रहे हैं मिल्किंग धार आपको बात दिखाया जा रहा है, काफ़ी अच्छी धार में गाय है और काफ़ी कोमल इसके थन है, कोई दूध निकालने में कोई भी समस्या नहीं है, आप आसानी से इसके मिल्क को निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोमल थन है और आप देख पा रहे हैं वीडियो को फास्ट इसलिए किया गया है क्योंकि दूध निकालने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम को कम करने के लिए हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं किया गया है, जो भी है ओरिजिनल आपके सामने दिखाया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा थन है और धार भी इसके काफ़ी मोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दूध निकालने में, देख पा रहे हैं आप। और इसने लगभग आपको ये गाय काफ़ी अच्छी देख पा रहे हैं आप, लगभग बाल्टी हमको लगता है कि 8 लीटर की करीब बाल्टी होगी और इसने बाल्टी को भर दिया था। अभी हम लास्ट में आपको दिखा पाएंगे, काफ़ी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड इसका है। अगर आप गिर गाय का शौक रखते हैं तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। इस गाय के बारे में 14 लीटर दूध बताया गया था, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वास्तव में गाय 14 लीटर से अधिक दूध कर सकती है कि नहीं, और ये गाय कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि इस गाय ने कितना दूध दिया है। आप देख पा रहे हैं बाल्टी लगभग भर चुकी है और बाल्टी भरने के बाद इसको एक बार अभी काफ़ी छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि बछे को पीने के लिए, क्योंकि बाल्टी भर चुकी थी और भैया ने जो बताया था कि यह लगभग 14 लीटर से अधिक ही दूध करेगी, तो वास्तव में ये बाल्टी 8 लीटर की है और 1 लीटर झाग अगर ऊपर मान लेते हैं तो लगभग 7 लीटर दूध होगा। और आप एक बार देख पा रहे हैं कि वैसे ही अभी छोड़ दिया गया है बछड़े को पीने के लिए, तो भैया की बातों के अनुसार एकदम बिल्कुल खरी है गाय। और अगर आप गिर गाय का शौक़ रखते हैं तो एक बार विजिट ज़रूर करें, और काफ़ी स्वभाव में शांत गाय है और अच्छी गाय है और हमारे ख्याल से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध है। इससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें और इस